हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको कार्बन के सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण और ये बहुत सारे आपको जो मेन मेन टॉपिक्स होते हैं उन पर हमने आपको डिस्कशन किया था। यानी कि आज हम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि उनके वर्गीकरण के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर कार्बनिक यौगिकों को का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, वो कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हमारा है हिंदी में कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए कार्बनिक यौगिकों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, कैसे बांटा जाता है, कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। तो बच्चों, मेनली जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमने आपको पहले बताया था, वो सारे कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट होगा वो ऑर्गेनिक होंगे। ठीक है, और मोस्टली कार्बन के अलावा भी हाइड्रोजन उनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो उनको अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जितने भी कार्बनिक कंपाउंड, जितने भी कार्बनिक यौगिक, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उन सबको हमने बच्चों दो क्लास में बांट दिया। ठीक है, पहली क्लास तो हमने रखी यहाँ पर एसाइक्लिक यानी कि जिनको हम बोल सकते हैं या ओपन चेन। ठीक है ना, ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, या तो हम उनको एसाइक्लिक बोलेंगे या उनको हम ओपन चेन कंपाउंड बोलेंगे। हिंदी में अचक्रिय ठीक है, या फिर खुली श्रृंखला वाले। कैसी? खुली श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला वाले यौगिक। दूसरा होता है बच्चों साइक्लिक। दूसरा क्या होता है? CYCLIC, साइक्लिक यानी कि चक्रीय को हम बोल सकते हैं क्लोज चेन कंपाउंड, या बच्चों हम इनको रिंग भी बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है ना, रिंग कंपाउंड भी बोल सकते हैं हम इनको, रिंग कंपाउंड। ठीक है, तो बंद श्रृंखला वाले हिंदी में बोला जाएगा इनको बंद श्रृंखला वाले यौगिक। ठीक है, तो बंद श्रृंखला वाले जो यौगिक हैं या खुली श्रृंखला वाले जो यौगिक हैं, बच्चों खुली श्रृंखला वालों को भी हम आगे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। चाहे देखो हाइड्रोकार्बन इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी हो, उन पूरे को हम दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों का यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। वो है अचक्रिय यानी कि एसाइक्लिक, ओपन चेन या खुली श्रृंखला वाले। साइक्लिक यानी कि चक्रीय, क्लोज चेन यानी कि बंद श्रृंखला वाले, जिनमें से चारों तरफ। अब हमें यह पता होना चाहिए आखिर खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला है क्या। ठीक है, देखो बच्चों, हम सब जानते हैं कि कार्बन की टेंडेंसी होती है कि कार्बन कार्बन से जुड़कर लॉन्ग चेन बनाता है, लंबी चेन बनाता है, लंबी श्रृंखला बनाता है। तो जिनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन कभी आपस में नहीं जुड़े, यानी कि पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से और पांचवा किसी अदर से जुड़ रहा है, तो ये एक लंबी चेन है। इसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन कभी आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं होते। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे से अटैच नहीं होते, तो ऐसी चेन, ऐसी श्रृंखला, ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड होगा बच्चों, ये ओपन चेन कंपाउंड होगा, इनको हम एलिफेटिक भी कह सकते हैं। तो इनका अपन बोल सकते हैं बच्चों एलिफेटिक। क्या बोलते हैं इनको अपन? एलिफेटिक। अब चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो बच्चों, इन्हें एलिफेटिक हिंदी में भी एलिफेटिक बोलते हैं, इंग्लिश में भी एलिफेटिक बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हें हम एलिफेटिक भी बोल सकते हैं, एलिफेटिक। ठीक है ना, क्लियर? तो इन्हें हम एलिफेटिक भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि एलिफेटिक का मतलब एक तरीके से
फैट्स जो होते हैं, यानी कि इनको पहले फैट्स से ऑब्टेन किया गया था, इसलिए इनको अपन एलिफेटिक बोल देते हैं। लेकिन ठीक है स्टूडेंट्स, ए चक्रीय वालों को हम एलिफेटिक बोलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर साइक्लिक की, यानी कि चक्रीय वालों की, क्या फिर इनको हम क्या बोलेंगे, क्या होते हैं। तो देखिए इनमें क्या होता है बच्चों, फर्स्ट कार्बन सेकंड से, सेकंड कार्बन थर्ड से, और थर्ड दोबारा फर्स्ट से मिल जाता है। तो ये क्लोज चेन हो गई, फर्स्ट सेकंड फिर सेकंड थर्ड फिर थर्ड फोर्थ, फिर फोर्थ दोबारा आके फर्स्ट से मिल जाएगा। यानी कि इसमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं और एक क्लोज एक बंद श्रृंखला बनाते हैं। इसलिए ऐसे कार्बनिक यौगिक बंद श्रृंखला वाले यौगिक या क्लोज चेन कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं साथ ही साथ आपको बताता जा रहा हूँ कि साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड जो होते हैं वो बच्चों, जिनमें फर्स्ट और लास्ट कार्बन एक दूसरे से क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, और इनमें असाइक्लिक में फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे से अटैच नहीं होता। तो आगे अब हम बात करते हैं साइक्लिक की, क्या आखिर साइक्लिक को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो साइक्लिक को भी बच्चों दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक तो कर दिया गया है होमोसाइक्लिक में, एक तो कर दिया गया है बच्चों होमोसाइक्लिक, ठीक है, एक तो बांटा गया है होमोसाइक्लिक में और एक बांटा गया है हेटरोसाइक्लिक में। हेटरोसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक या हेटरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, कार्बोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड को बच्चों हम कार्बोसाइक्लिक भी बोल सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक ही होता है, हेट्रोसाइक्लिक। व्हाट इज होमोसाइक्लिक एंड व्हाट इज हेट्रोसाइक्लिक, देखिए इन दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट, ओनली कार्बन एटम, यानी कि होमोसाइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही एटम होंगे, साइकिल के अंदर यानी कि बंद श्रृंखला में सिर्फ कार्बन परमाणु ही होंगे तब तो हम उसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे। और कार्बन के अलावा अगर कोई हेट्रो एटम मे बी प्रेजेंट, हेट्रो एटम कौन सा होता है, हेट्रो एटम होते हैं बच्चों ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर एटीसी, ठीक है ना। तो हेट्रो एटम अगर कोई प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर SON सन, दिस इज द हेट्रो एटम, सल्फर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर आपकी क्लोज चेन के अंदर आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं कार्बन की जगह, तो वो आपके हेट्रोसाइक्लिक कहलाते हैं। और अगर आपकी क्लोज चेन में, अगर आपकी रिंग में केवल और केवल कार्बन आते हैं तो उन्हें हम होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा पहला कार्बन दूसरे से, दूसरा कार्बन तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से, और पांचवा फिर से पहले से जुड़ गया। तो इसमें केवल इस बंद चेन के अंदर कार्बन के अलावा और कुछ भी कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमोसाइक्लिक होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कार्बन के अलावा कोई अदर हेट्रो एटम भी कार्बन की रिंग में आ जाता है कार्बन को हटा करके, तो उसे हम, उस कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक में आपका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों जैसे सी सी और यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन, ठीक है, दिस इज द टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बोन्ड लाइन स्ट्रक्चर में अपन कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर इसको रिप्रेजेंट करूँ साइक्लोपेंटेन को, तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ कि पहला कार्बन दूसरे से, देखिए पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है, दैट इज साइक्लोपेंटेन इसका नाम है। इनका नाम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, फिलहाल मैं जो भी नाम यहाँ लिखता गया हूँ आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द साइक्लोपेंटेन। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको भी हम कहते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, दिस इज द टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, THF इसका नाम है टेट्रा, हिंदी में भी यही नाम है, इंग्लिश में भी यही नाम है, ठीक है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। तो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन इसका नाम है। तो यहां पर आप देखोगे साइकिल के अंदर कार्बन 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 लेकिन ऑक्सीजन आ गया, तो दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक एंड दिस इज द होमोसाइक्लिक। तो ये आपका हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक है बच्चों। अब आगे होमोसाइक्लिक को भी और हेट्रोसाइक्लिक को भी आगे दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है, और वो जो दो पार्ट है आपके, अब मैं इनको रफ करके आपको फिर से लिख रहा हूँ, आपको उसी के नीचे लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो अब आपका
देखिए होमोसाइक्लिक भी होता है बच्चों, दो टाइप का होता है, ठीक है। होमोसाइक्लिक को भी आगे दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, एक तो मैंने कर दिया एलिफेटिक, ठीक है, और एक हम कर देते हैं एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक, व्हाट इज एलिफेटिक एंड व्हाट इज एरोमेटिक। देखिए एरोमेटिक के बारे में तो पूरी कंडीशन हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिलहाल आपको सीधा सीधा बता दूं, जो एलिफेटिक होते हैं वो एक तरीके से एसाइक्लिक कंपाउंड की तरह बिहेवियर करते हैं, यानी कि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, होते तो साइक्लिक है लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके सारे के सारे गुणधर्म वो किसकी तरह होते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड की तरह होते हैं, इसलिए उनको एलिफेटिक बोला जाता है। और एरोमेटिक के अंदर एरोमा वर्ड जो होता है वो एक तरीके से स्मेल से लिया जाता है, फ्रेग्रेंस जो होती है, खुशबू जो होती है, उनसे लिया जाता है। तो एरोमा यानी कि फ्रेग्रेंस, खुशबू, फ्लेवर जो भी आता है, तो इसलिए ये जो कंपाउंड होते हैं इनके अंदर एक स्पेशल है ना स्मेल होती है, इसलिए इनको एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक के और भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, पूरा की पूरा एरोमेटिक के बारे में बताऊंगा कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। फिलहाल हम यहाँ केवल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि होमोसाइक्लिक दो टाइप का होता है, एक तो होता है एलिफेटिक और एक होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक एकदम स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, इनके अंदर स्पेशल एरोमा होती है। और एलिफेटिक की बात करें तो एलिफेटिक जो होते हैं वो एसाइक्लिक की तरह बिहेवियर करते हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स एसाइक्लिक की तरह होती है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक, अब इसके भी बच्चों एग्जाम्पल हैं, चलिए मैं इसी के एग्जाम्पल की बात करूं। देखिए कार्बन, अभी अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल बनाया, इसमें केवल और केवल कार्बन है, लेकिन ये है साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन। और एरोमेटिक की जहां भी बात आती है तो एरोमेटिक के अंदर बच्चों यहाँ पर वन टू, दिस इज द बेंजीन पहला। जब भी एरोमेटिक की बात आएगी आपके दिमाग में एक वर्ड तो हमेशा आना चाहिए, वो है बेंजीन, ठीक है। अब इस बेंजीन के डेरिवेटिव, जैसे कि इस बेंजीन के ऊपर से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया और NH2 लगा दिया, तो इसे हम कहते हैं एनिलीन, इसे हम कहते हैं बच्चों एनिलीन। ये बेंजीन है, ये एनिलीन है, अगर इसी के ऊपर मैं OH लगा दूं तो फिनोल बन जाएगा। ये लीजिए ये बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर मैंने OH लगा दिया, दिस इज द फिनोल, फिनोल। और इसी तरह दो बेंजीन एक साथ जोड़ दूं तो बच्चों ये आपके पास हो जाती हैं, दो बेंजीन एक साथ जोड़ने पर, अगर दो बेंजीन मैंने एक साथ जोड़ दी तो बच्चों ये जो बनती है इसे कहते हैं नेफ्थेलीन। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन जो आपकी बुक में गिवन है वही एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं। तो बच्चों एलिफेटिक में क्या होता है, सिंपल आपके हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन इस तरीके से होता है, उनमें वो उनका पूरा कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो एसाइक्लिक की तरह होता है, ठीक है। लेकिन जो एरोमेटिक होते हैं वो बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो एरोमेटिक में बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव आते हैं, ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों आगे फिर हम इसको क्लासिफाइड करते हैं एरोमेटिक को। देखिए एरोमेटिक भी दो तरह के होते हैं, एक तो वो जिनमें बेंजीन होती है और एक वो जिनमें बेंजीन नहीं होती, इट मींस बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। तो इसके आगे हम इसको और क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो मैं अभी इसको मिटा रहा हूँ एग्जाम्पलों को, आप नोट कर लीजिएगा साथ के साथ ही। तो अब देखिए एरोमेटिक को भी आगे बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो है एरोमेटिक को भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। बच्चों हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो आपको इसी उसमें याद करना है। अगर किसी बच्चे को मालूम नहीं है सर होमोसाइक्लिक क्या होता है, तो होमोसाइक्लिक को हिंदी में कहते हैं समचक्रीय, विषम चक्रीय, विषम परमाणु। बेटा आपको इंग्लिश ही याद करनी पड़ेगी, इसलिए फिर भी मैं लिख देता हूं लेकिन काम आपके इंग्लिश ही आनी है। समचक्रीय इसको बोलते हैं विषम चक्रीय, ठीक है, और ये आपके विषम परमाणु है, विषम परमाणु, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर एरोमेटिक जो होता है वो भी दो टाइप का होता है। एरोमेटिक दो टाइप के कौन कौन से, एक तो बेंजीनोइड और एक नॉन बेंजीनोइड, वो जिनमें बेंजीन पाए जाते हैं
और वो जिनमें बेंजीन नहीं होते। डेफिनेशन से हमें मतलब नहीं है, हमें एग्जाम्पल से मतलब है। हमें पता होना चाहिए कि ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये बेंजिनोइड है, ये एलिफेटिक है, इस तरह हमें पता होना चाहिए। इनकी डेफिनेशन आपसे कहीं नहीं पूछता बच्चों। तो बेंजिनोइड में तो बेंजीन होगी और नॉन बेंजिनोइड में बेंजीन नहीं होगी। तो ये वाले एग्जाम्पल तो अभी अभी हमने जो किए थे उन सब में बेंजीन थी, वो सारे बेंजिनोइड के एग्जाम्पल थे। लेकिन अगर हम नॉन बेंजिनोइड की बात करें तो इसके अंदर आपके ट्रोपोलियम आता है, ट्रोपोलोन आता है, सेवन कार्बन वाला, एक दो तीन चार पाँच छ सात, और ये ठीक है, ये सेवन कार्बन वाला है, इसको एकदम थोड़ा सा सेव बना देता हूँ। देखो बच्चों, एक दो एक दो तीन चार पांच छः सात, ठीक है। और इससे आपको जोड़ना है एक कार्बन, इस कार्बन से आपको ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है। तो यहां पर ये, यहां पर ये और ये बना है आपका बच्चों ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन, ठीक है। दिस इज द नॉन बेंजिनोइड एरोमेटिक कंपाउंड ट्रोपोलोन। अब नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद बेंजिनोइड और नॉन बेंजिनोइड के बाद हमारा क्लासिफिकेशन पूरा होता है। लेकिन हम चलते हैं अब एचक्रिय में, यानी कि एसाइक्लिक में। इनकी अगर हम बात करें, ठीक है, खुली श्रृंखला वाले जो एचक्रिय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैं ये रफ कर रहा हूं। हाँ जी बच्चों, इसी के साथ अभी आपका होमोसाइक्लिक के बाद अगला आता था हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में देखिए, हम हेट्रोसाइक्लिक का और देख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद हम आपको एचक्रिय का बताएंगे। हेट्रोसाइक्लिक को बोलेंगे विषम चक्रीय। इनके अंदर विषम चक्रीय, इनमें क्या होगा बच्चों, कार्बन के अलावा कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था इसके अंदर, दिस इज द टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के बाद इसको बोलते हैं फ्यूरेन, ठीक है, इसको बोलेंगे बच्चों फ्यूरेन। इसी तरह एक आता है आपके पास, अगर मैं सल्फर लगा दूं तो ये लो जी, इसको लगा, इसको बोलते हैं अपन थायोफीन, इसको बोला जाता है बच्चों थायोफीन, ठीक है। और अगर मैं एक और बनाऊं, दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक, लेकिन ये थोड़ा बेंजीन जैसा ही होता है, इसको बोलते हैं अपन बच्चों पायरिडीन, पिरिडीन, थायोफीन, पिरिडीन और फ्यूरेन, फ्यूरेन, ठीक है। तो ये तीन भी हेट्रोसाइक्लिक के अंदर ही आते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं एसाइक्लिक की, जो कि दो तरह का हो सकता है, या तो ब्रांच्ड होगा, ब्रांच्ड यानी कि शाखित, या होगा बच्चों अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड यानी कि अशाखित। तो शाखित और अशाखित यहां पर हो सकता है, यानी कि हो सकता है मेन कार्बन चेन के लेटरल चेन बहुत सारी हो। जैसे ब्रांच में ये मेन कार्बन चेन है, फर्स्ट लास्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगल बगल साइड वाइज चेन और भी ज्यादा हो, तो दैट इज ब्रांच। अनब्रांच की बात करें तो यहां पर कोई ब्रांच नहीं होगी, एकदम स्ट्रेट चेन होगी, कोई ब्रांच नहीं होगी, एकदम कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी, ये अनब्रांच है। इसको ब्रांच में समझ लेना है, कार्बन की एक ही चेन है, स्ट्रेट चेन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कार्बन की चेन के साथ में कुछ पार्श, कुछ लेटरल चेन भी जुड़ी हुई है, पार्श श्रृंखलाएं भी जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से एसाइक्लिक भी दो टाइप का हो गया, ब्रांच और अनब्रांच। और इसके साथ ही बच्चों हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सब के नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे कि हम कैसे इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, एसाइक्लिक का कैसे करते हैं, साइक्लिक का कैसे करते हैं,
और वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है बच्चों, IUPAC नोमेनक्लेचर हमें यहाँ पर करना है, तो इसीलिए आप सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन को ढंग से समझिएगा। देखिए मैंने क्या किया था, अभी मैंने क्लासिफिकेशन करने के बाद सबके एग्जाम्पल लिख के मिटा दिए थे, तो आप बच्चों साथ ही साथ वीडियो को फिर से आप बैक में ले जाकर उनके एग्जाम्पल को उन्हीं के नीचे नोट कीजिए जहाँ मैंने लिखे थे, उसके बाद उनको आगे क्लासिफाइड कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे क्या आपको याद रहेगा कि हमने साइक्लिक में कौन से एग्जाम्पल दिए थे, एसाइक्लिक में हमने कौन से एग्जाम्पल दिए थे और हम इसको कैसे समझ सकते हैं। बच्चों डेफिनेशन कहीं नहीं पूछता है, डेफिनेशन नहीं पूछता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये साइक्लिक है, ये एसाइक्लिक है, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये बेंजिनोइड है, ये नॉन बेंजिनोइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको बच्चों इसके क्लासिफिकेशन को लर्न करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हम IUPAC नोमेनक्लेचर के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।